और एक बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत चार पर केस दर्ज किया गया है। दलित महिला ने केस दर्ज कराया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय शर्मा अभी जेल में बंद हैं। रंगदारी मांगने के मामले में पहले से ही वो जेल में बंद हैं और अब उन पर रेप का केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभल से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सुल्तानपुर में सराफा की दुकान में डकैती के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख के इनामी डकैत अंकित यादव को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अंकित यादव गिरफ्तारी प्रयागराज से की गई है। अंकित से चांदी और कैश बरामद किया गया। डकैती के दो आरोपी अरबाज और फुरकान अभी भी फरार हैं। बदमाशों ने 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के बीचों बीच सराफा की दुकान पर दिनदहाड़े डाका डाला था। मामले में दो आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर भी कर चुकी है। दो बदमाश फरार हैं, बाकी सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2024 को इस घटना से संबंधित 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित यादव को एसटीएफ द्वारा छिवनी रेलवे स्टेशन प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इसको कोतवाली नगर सुल्तानपुर लाया गया, जहां कोतवाली नगर टीम के साथ पूछताछ में इसके द्वारा 755 ग्राम चांदी व 2800 रुपये नकद बरामद कराए गए। अभियुक्त अंकित यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में एयरफोर्स की तैयारी कर रहे नाबालिग छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। रंगदारी नहीं देने पर लाठी डंडे से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने राका और उसके साथियों पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया। कई छात्र छात्राओं से डरा धमका कर वसूली करने की बात कही। वहीं छात्र को पीटने के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। पीड़ित छात्र ने जब कमिश्नर से मुलाकात की, उसके बाद काकादेव थाने में उसकी तरफ से मुकदमा लिखा गया। ये पूरा मामला काकादेव थाना क्षेत्र के कोचिंग मंडी का है। खबर बुलंदशहर से है। परिषदीय स्कूल में छात्राओं को मुर्गा बनाकर सजा देने का आरोप लगा है। वीडियो सामने भी आया है, हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये दावा किया जा रहा है कि स्कूल नहीं जाने पर मुस्लिम टीचर ने हिंदू छात्राओं को मुर्गा बनाया। वीडियो के आधार पर बीएसए ने जाँच के आदेश दिए हैं। ये मामला विकासखंड ऊंचा गाँव क्षेत्र का है। लखनऊ से दो शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब और यूपी पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर पंजाब में कई हत्याओं में शामिल थे। दोनों शूटर विदेशी गैंगस्टर्स के निर्देश पर काम किया करते थे। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और यूपी पुलिस की एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लखनऊ से दो बड़े गैंगस्टर्स के शूटर को काबू किया है। जानकारी दे दें कि पिछले दिनों पंजाब के तरन तारण में मार्च 2024 में एक हत्या की गई थी, गोलियां मार के हत्या की गई थी, और उसके बाद सितंबर 2024 में फिरोजपुर में एक ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया था। दोनों आरोपी, एक विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की और एक पंजाब सिंह, दोनों लगातार फरार चल रहे थे, वांटेड थे और पुलिस को उनकी तलाश थी। हालांकि पंजाब पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि लखनऊ के एक एरिया में दोनों शूटर छिपे हुए हैं, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर की गई यूपी पुलिस की, और यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम ने यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन से उन दोनों शूटर्स को काबू किया गया। काफी समय से लखनऊ में छुपे हुए थे और अपने अलग अलग जगह ठिकाने बदल रहे थे। हालांकि यूपी पुलिस ने पूरा पंजाब पुलिस के साथ जाल बिछाया और उन दोनों को काबू किया गया। हालांकि कई लिंक सामने आ रहे हैं कि यूपी में जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उनको लॉजिस्टिक चीजें मुहैया कराई, उनको लेकर भी अब यूपी पुलिस लगातार काम कर रही है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि पंजाब में कोई गैंगस्टर या उनके गुर्गे अगर कोई वारदात को अंजाम देते हैं तो कभी हरियाणा, कभी यूपी, कभी राजस्थान जाकर वहां पर छिप जाते हैं। इन लोगों को पनाह कौन देता है, किस तरह की लॉजिस्टिक चीजें मुहैया कराई जाती है, कौन इनको लॉजिस्टिक चीजें मुहैया कराए जाते हैं, इस सारी चीजों को लेकर अब यूपी पुलिस भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। हालांकि एक बड़ी कामयाबी जरूर कह सकते हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन से दोनों स्टेट की पुलिस को मिली है, और भी इसमें चीजों को लेकर खुलासा जल्द होगा और यूपी पुलिस भी इसमें लगातार जुट चुकी है। पंजाब से कैमरामैन अमन कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18।
कानपुर में रेप के आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया गया है। फजलगंज पुलिस ने चकेरी के मंगला विहार से उसको गिरफ्तार किया। नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद नाबालिग से रेप का आरोप है। 19 महीने पहले मामले में FIR भी दर्ज हुई थी, तभी से जिम ट्रेनर फरार था। पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का चोरी के आरोपियों से एनकाउंटर हो गया। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। आरोपी के पास से ज्वेलरी शॉप से चोरी का सामान, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। एनकाउंटर इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में हुआ। अमरोहा में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने लॉकअप में बंद एक शख्स को पानी की जगह एसिड पिला दिया। हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से मेरठ रेफर कर दिया गया। ये मामला सैद नगली थाने का है। जानकारी के मुताबिक हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव पनसुका मिलक है। झगड़े के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस वालों से उसने पानी मांगा तो पुलिस ने पानी की जगह एसिड दे दिया। परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई। सर, मेरे भाई को 14 अक्टूबर को वो घर आ रहा था नगली से, तो पुलिस ने पकड़ लिया था रात को और उसके साथ काफी मारपीट की। और जब उसने पानी मांगा तो सब पानी की जगह एसिड पिला दिया गया। अब जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, CO साहब ने भी रिपोर्ट देखी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी और आपको CCTV फुटेज में कल दिखवा दूंगा थाने की। क्यों पिलाया? अब सर ये तो वो जाने क्या दुश्मनी, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं।